हेलो स्टूडेंट्स बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संते क्रांतिक कोण के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है, ठीक है, उसका डिस्कशन होगा। तो जैसे पहला टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रयोग में मरीचिका। हाँ बेटा, जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं, ठीक है ना, वहां से थोड़ी हेल्प लेना और जो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो जरूर देखना, है ना। बिना कोई भी टॉपिक बिना वीडियो देखे नोट्स न करें, पहले देखें फिर नोट करें, नोट्स में से केवल हेल्प लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई ऐसा नया पॉइंट मिले तो आप साथ में ब्रैकेट में कहीं पर भी उसको लिख लेना। प्रॉपर नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो हम टॉपिक चालू करते हैं मरीचिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज इफेक्ट। एक्चुअल में ये मिराज जो वर्ड है, मरीचिका जो वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इस शब्द का जो मतलब होता है वो होता है दृष्टि भ्रम, मतलब देखने में एक तरीके से धोखा, ठीक है। देखो एक्चुअल में कई बार क्या होगा कि आप देखते होंगे कि जब हम गर्मियों में रोड पर निकलते हैं तो हमारे सामने जो दूर जो रोड होता है सड़क पर, हमें ऐसा लगता है कि जैसे वहां सड़क पर पानी भरा हुआ है ना, वहां पर हल्का सा हमें गीलापन ऐसा महसूस होता है, सड़क गीली हुई हुई, ठीक है, तो हमें सड़क गीली हुई महसूस दिखाई देती है, बट जब वास्तव में वहां पहुंचते तो सड़क गीली होती नहीं। तो ऐसा दृष्टि भ्रम जिसमें हमें ये लगे कि कुछ दूरी पर पानी है बट वास्तव में वहां पर पानी नहीं हो, तो इस प्रकार के दृष्टि भ्रम को, इस प्रकार के धोखे को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं, ठीक है। तो मरीचिका क्या आंखों के लिए एक धोखा है, ठीक है, जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जलाशय है, पानी का तालाब है या पानी है, बट वहां पर जाते तो पानी दिखाई नहीं देता। ये जो मरीचिका की जो घटना है अधिकतर गर्मियों में और ज्यादातर रेगिस्तान में होती है, रेगिस्तान एरिया में, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो रेगिस्तान में क्या होता है बेटा, इसका कारण क्या, रेगिस्तान बता देता हूँ। रेगिस्तान में क्या होता है कि जो रेत होता है, जो बालू होती है, वो बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में जो रेगिस्तान में जो रेत है वो क्या हो गया, बहुत अधिक गर्म हो गया। अब उसकी गर्माहट के कारण अब क्या होगा कि हवा चली, जो हवा चल रही है, हवा की जो परते वायु के उस रेत के साथ कांटेक्ट में आई तो उस रेत के कारण वो भी गर्म हो, क्योंकि वो रेत के साथ कांटेक्ट में आ रही है, तो रेत ने क्या कर दिया, और हवा की परतों क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब जब हवा की परते बेटा क्या हो गई, गर्म हो गई, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो उन परतों का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो कम होता हुआ जाएगा। ऐसा समझो कि जो परत रेत के साथ कांटेक्ट में उसका टेम्परेचर ज्यादा, उससे ऊपर वाली परत का कम, उससे ऊपर वाली परत का और 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 कम, मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ परतों का ताप क्या होता जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। अब देखो बेटा आप बताइए, टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर गैस निकल क्या होती है, दूर दूर, ठीक है, और जहां पे टेम्परेचर क्या होता है कम, वहां पे गैस कण क्या होंगे, पास पास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाली परत है जिनका टेम्परेचर ज्यादा है उसके कण क्या होंगे, दूर दूर, तो उसके कण दूर दूर होंगे तो वो नीचे वाली परतें क्या होंगे बेटा, विरल माध्यम की तरह काम करेंगे, और जो उससे ऊपर वाली परतें वो क्या करेंगे, सघन माध्यम की तरह काम करेंगे। तो सिस्टम क्या बनेगा, सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे समझो कि जो नीचे वाली परतें हैं उनका वो विरल, उससे ऊपर वाली सघन। अब अगर मैं पहली और दूसरी परत में देखता हूँ तो पहली वाली जैसे ये परत है ना, मेरी उंगली की ये परत है, इस परत का टेम्परेचर क्या ज्यादा, तो ये विरल और ये सघन, इन दोनों में। अब अगर मैं इस वाली सेकंड वाली और थर्ड वाली परत में देखूं, ठीक है, तो सेकंड वाली थर्ड वाली परत में क्या होगा, इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में, इसका टेम्परेचर ज्यादा इसकी तुलना में, इसका कम, तो ये नीचे वाली क्या हो गई, विरल, ऊपर वाली क्या हो गई, सघन। क्यों, क्योंकि घनत्व क्या हुआ, इसके कारण पास दूर दूर होंगे, इसके कारण इसकी तुलना में पास पास होंगे, तो जहां पर गैस के कण क्या होंगे, दूर दूर, वहां पर घनत्व क्या होगा, गैस का
कम, और जहां पर गैस के कण क्या होंगे पास पर, वहां पर घनत्व क्या होगा ज्यादा। तो मैं कहूंगा इस परत का घनत्व सबसे कम, इससे ज्यादा घनत्व उसका, उससे ज्यादा घनत्व उसका, और उससे ज्यादा घनत्व इसका। मतलब अगर इन दोनों में देखो ये विरल ये सघन, इन दोनों में देखो ये विरल और ये सघन, इन दोनों में देखो ये विरल और ये सघन, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ परतें विरल सघन विरल सघन विरल सघन विरल सघन में क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो बेटा ऐसे मान लीजिए आप कोई बहुत दूरी पर कोई पेड़ है, इसमें डायग्राम लिखा हुआ है, अब ये पेड़ है, अब आप पेड़ को देख लीजिए, मान लो बहुत दूरी पर पेड़ है, उस पेड़ पर कोई पॉइंटर को मान लीजिए, अब इस पॉइंट से कोई प्रकाश किरण आ रही है मान लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये बताओ देखो अगर मैं इसको लेयर में डिवाइड करूं तो ये इस तरह से लेयर बन गई, बहुत सी लेयर होंगी यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये देखो ये वाली परत क्या होगी, तो जितनी ऊंचाई पर होगी वो सघन, नीचे वाली विरल, जैसे आपने कहा सघन विरल सघन विरल, तो ऊपर वाली परत क्या होगी सघन और नीचे वाली क्या होगी विरल। तो बेटा जब प्रकाश की किरण क्या होती है, ये ऊपर वाली क्या है सघन है बेटा, और ये नीचे वाली क्या है विरल, क्लियर। देखो जब प्रकाश की किरण सघन से किसमें जाएगी विरल माध्यम में, बोलो जाएगी नहीं तो क्या होगी अभिलंब क्यों मुड़ेगा, तो बटेगी अभिलंब से तो बटेगी, तो इस तरह हट जाएंगे, ठीक। जब हट गए तो यहाँ पे आपतन कोण छोटा, यहाँ पे अपवर्तक कोण बड़ा। अब ये जब ऐसे भी क्लियर मान लीजिए इस परत में पड़े, इस परत में पड़ी तो बेटा अब आपतन कोण कितना ये वाला, तो बच्चा बताओ बेटा ये वाला आपतन कोण बड़ा है ये वाला बड़ा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आपतन कोण छोटा, अब दूसरी परत के लिए आपतन कोण क्या हो गया ज्यादा। तो इसको मतलब इस तरीके से क्या हुआ, जब ये किरण ऐसे जाएगी तो इसका आपतन कोण क्या होता जाएगा हर समय बढ़ता हुआ जाएगा, बोलो जाएगा, क्योंकि तो यहां पर आपतन कोण बड़ा, यहां पर आपतन कोण छोटा। तो जैसे अगर मैं और दो तीन परतें बना लेता हूं यहां पर, तो इस तरीके से समझो कि कोई प्रकाश किरण ऐसे आई फिर इस तरह गई, अभिलंब की थोड़ी सी ऐसे हट गई, फिर ऐसे हट गई, हट गई यहां से और हट गई, फिर यहां से और हट गई। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर आपतन कोण छोटा, यहां पर आपतन कोण और बड़ा, यहां पर आपतन कोण और बड़ा, यहां पर आपतन कोण और भी बड़ा, बोलो है या नहीं। तो ऐसे करने पर क्या हुआ, हर बार आपतन कोण बढ़ता हुआ जाए और प्रकाश किरण के जाने सघन से विरल में जाती। तो देखो क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण लगातार सघन से विरल माध्यम की ओर जाती जा रही है और हर बार आपतन कोण बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आपतन कोण बढ़ते 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 एक स्थिति ऐसी होगी जब आपका आपतन कोण किससे बड़ा हो जाएगा, क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, क्लियर। और जैसे ही आपका यह आपतन कोण किससे बड़ा होगा, क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं, अगर उन दोनों की पालना हो जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गए। कौन सा, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, देखो लगातार कैसे जा रही है सघन से विरल की ओर। ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाली सघन विरल ये सघन ये विरल, इन दोनों में ये सघन और ये विरल, इन दोनों में ये सघन और ये विरल, तो लगातार कैसे जा रही है सघन से विरल की ओर जा रही है। दूसरा यहां पर आपतन कोण क्या हो गया, क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो गया। तो जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी, बोलो बोलो। तो देखो वही घटना यहाँ पे हो रही है, तो ये प्रकाश की किरण जो बिंदु O से चली तो ये लगातार क्या हो रही है, ये लगातार सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। तो सघन से विरल की ओर जाने पर लगातार इसका क्या हो जा रहा है, आपतन कोण बढ़ता हुआ जा रहा है, बोलो जरा जरा। और एक स्थिति बेटा अंत में ऐसी आएगी कि जब आपका आपतन कोण क्या होगा, जब आपका आपतन कोण क्या होगा बेटा, क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो गया। और जैसे ही आपतन कोण का मान क्या हुआ, क्रांतिक कोण के मान से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये वाली किरण क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली किरण यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ये ऐसे जाएगी। और बहुत दूरी पर कोई व्यक्ति है जो जिसकी आंखों पर ही पड़ेगी जैसे आपको दिख रहा, और जब आंखों पर पड़ेगी तो आंख क्या जानती है कि प्रकाश तो सरल रेखा में चलता है, आंख तो ये जानती है, तो आंख को क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, सीधी रेखा में इसको बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा, और आंख को क्या मैसेज होगा कि ये प्रकाश की किरण तो किसी पॉइंट आई से आ रही है। और जब ये प्रकाश की किरण किसी पॉइंट आई से आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु ओ का प्रतिबिंब आई बन गया।
तो इसको लगा इस पूरे पेड़ का पृथ्वी में नीचे दिखाई देगा। और लाला परछाई तो बेटा किसमें बनती है, परछाई तो आपकी पानी में ही बनती है। तो उस व्यक्ति को इस पेड़ की परछाई नीचे पानी में दिखाई, जमीन में दिखाई देगी, तो वो कहेगा यार मुझे परछाई दिखाई दे रही है। तो इसको मतलब यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो उसे पानी का आभास होगा। और वास्तव में जब वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर कोई पानी वानी नाम की चीज नहीं है, तो उसे धोखा होगा। तो इस प्रकार का जो दृष्टि भ्रम होता है बेटा, इस प्रकार के दृष्टि भ्रम को हम क्या कहेंगे, मरीचिका कहेंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीज आप नोट करो, देखो आपकी कॉपी में नोट्स में दिए हुए, आप ध्यान से देखोगे। हाँ बेटा, मुझे आप एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे एक काम, एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई कोई वस्तु सबसे अधिक चमकदार कौन सी घटना में दिखाई देगी, तो आपका तीन तरह घटनाएं, अपवर्तन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेटा मैं आपको कैसे दिखाई दे रहा हूं, जैसे जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो कैसे दिखाई देती, कोई भी चीज क्या होता है कि प्रकाश की किरण गई उस पर पड़ी और पढ़कर वो प्रकाश किरण हमारी आंखों पर आई। ठीक है, अब अगर आंखों से आने वाली प्रकाश की किरण की तीव्रता क्या ज्यादा, तो वो ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। आंखों पर आने वाली प्रकाश तीव्रता क्या कम, तो कम चमकदार दिखाई देगी। ऐसे होगा ना, तो बेटा अगर हमसे पूछे कि सबसे अधिक चमकदार वस्तु किसे दिखाई देती है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होती है, कोई वस्तु हमें सबसे अधिक चमकदार दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तीव्रता की कोई हानि नहीं होती, कोई तीव्रता की हानि नहीं होती इसमें, क्योंकि अपवर्तन में तीव्रता कम हो जाती है, परावर्तन में कम हो जाती है, बट पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कोई तीव्रता की हानि नहीं होती। तो तीव्रता जिसमें मैक्सिमम होती बेटा वो कौन सी घटना, आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता कोई हानि नहीं होगी। तो अगर कोई वस्तु पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के द्वारा दिखाई दे, तो उससे पूरा पूरा प्रकाश, जितना प्रकाश पड़ा पूरा प्रकाश क्या हुआ हमारे आंखों पर पड़ेगा, उससे आने वाले प्रकाश की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमारे आंखों वस्तु क्या दिखाई देगी, सबसे चमकदार दिखाई देगी। चलो अब हम नेक्स्ट अनुप्रयोग लेते हैं, हीरे का चमकना। कि हीरा हमें बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है, कि अगर हम हीरे को क्या करें, हल्की सी लाइट में देते हैं, हल्की सी लाइट में, तो वहां पर ऐसे हीरा हमें हल्की सी लाइट पड़ने पर हीरे में क्या होती है, बहुत जबरदस्त रोशनी दिखाई देती है, मणि में दिखाई देती है पिक्चरों में, हैं इस तरीके से क्या होती है, हीरे में हमें बहुत अधिक चमकदार दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, जो हीरा है और पत्थर है उसमें कोई अंतर नहीं। जब हीरे को कोयले की खादानों से निकाला जाता है ना, तो उस समय हीरा बिल्कुल एक पत्थर जैसा हुआ, आप नहीं बता सकते कि ये हीरा या पत्थर है। और जो हीरे की पहचान करने वाले कंपनी होते हैं वही उसकी पहचान करते हैं। अब वो हीरे को चमकदार बनाते हैं, हीरा चमकदार प्रकृति में मिलता नहीं तुरंत ही कि हीरा मिला वाले चमकदार, ऐसा नहीं होता। जो हीरे बनाने वाले होते हैं, जो हीरे के व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, हीरे की काटपीट करते हैं। और हीरे की काटपीट इस तरीके से करते हैं कि एक बार जो उसमें प्रकाश चला गया वो वापस उसमें से निकले नहीं। ऐसा समझो, जो हीरा है एक्चुअल में हमसे पूछे सबसे कठोर चीज कौन सी, हीरा बेटा, जो हीरा है, हीरे का जो अपवर्तनांक वो बहुत ज्यादा होता है, कितना 2.4, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाली वस्तु है हीरा, जिसका अपवर्तनांक है ना 2.4। अगर मैं इसके संगत क्रांति को निकालूं, मेरे पास क्रांति को निकालने का क्या बार और वायु, क्या वायु और दूसरा क्या हीरा, तो वायु और हीरा में छोटा कौन सा, छोटा वायु है, और वायु का अपवर्तनांक कितना आप बता, क्रांति को निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, क्रांति को निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा हमारा, वो है छोटा बटे बड़ा। तो साइन का सी क्या होगा, छोटा कितना 1 और बड़ा कितना, हीरा जितना कितना 2.4। अब थीटा सी क्या होगा, थीटा सी क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2.4। तो देखो जब इसको हम भाग देते हैं तो इसकी खूबसूरत वैल्यू लगभग 24 डिग्री के आसपास आती है। तो क्रांतिक कोण का जो मान है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है बेटा, क्रांतिक कोण का मान भी ठीक है लगभग 24.4 डिग्री ऐसे इतनी आती है। तो अब हमें पता चल गया कि अगर इसके पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश की किरण कितना कोण बनाए, पृष्ठ पर जो अगर सघन माध्यम में आपतन कोण कितना हो
24.4 डिग्री से ज्यादा हो तो उसका पूर्णांक परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि इससे अधिक कोण में क्या पूर्णांक परावर्तन होगा। तो जो हीरे बनाने वाले होते बेटा वो हीरे की काटपीट इस तरीके से करते हैं। मैं केवल डायग्राम, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मान लीजिए इस तरह का कोई हीरा बना दिया, ठीक है, इस तरह की उस काटपीट की। जब हीरे की काटपीट वो इस तरीके से करते हैं कि उसके अंदर जो प्रकाश होगी, जैसे प्रकाश इसके अंदर गया तो जब ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, क्या वो विरल सघन जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ गया। मान लीजिए विरल सघन जाने पर ऐसे समझो ये ऐसे मुड़ गया, और ऐसे मुड़ गया इस पे पड़ा। जब ये इस पे पड़ा तो हीरे बनाने वाले जो होते हैं, जो जौहरी होते हैं, वो क्या करते हैं हीरे की काटपीट इस तरीके से करते हैं कि जो प्रकाश की किरण इस पे अंदर घुसने के बाद पड़ी, तो अब इस किरण के लिए जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण क्या है, ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या बड़ा है, इसके क्रांतिक कोण से, ठीक है। तो प्रकाश को क्या जाएगा सघन से बदल जाने की कोशिश करेंगे, तो सघन से बदल जाने की कोशिश की तो आपतन कोण क्या हो गया क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। इस तरीके से वो हीरे को काटते कि आपतन कोण क्या हो जाए क्रांतिक कोण से बड़ा, और जैसे आपतन कोण का मान क्या होगा क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी इस तरीके से। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद फिर इस फलक पर पड़े, और इस फलक पर पड़ने के बाद क्या होगा इस आपतन कोण का मान क्या होगा क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होगा, फिर ये इस तरीके से करेगा ऐसे फिर यहां पड़ेगी तो आपतन कोण का मान क्या हुआ फिर भी क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हुआ, तो इस तरीके से पड़ेगी फिर क्या हुआ आपतन कोण क्रांतिक कोण में बड़ा आपतन कोण, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार होती जाएगी। इसी के अंदर जो प्रकाश एक बार प्रवेश कर गया वो इसी में ही घूमता रहेगा, किरण आएंगी और इसमें समाती रहेंगी इसी के अंदर घूमती रहेगी, तो इसमें क्या होगी रोशनी की मात्रा, प्रकाश की मात्रा क्या होगी बहुत बढ़ जाएगी, और बहुत अधिक प्रकाश की मात्रा बढ़ने का जो प्रकाश ये जो प्रकाश आ रहा समेट रहा जो प्रकाश आ रहा उसी में समेट रहा इसी के अंदर प्रकाश घूम रहा है, तो इसके अंत तो ये चीज क्या दिखाने लगेगी प्रकाश पुंज, एक बहुत बड़े प्रकाश पुंज के रूप में दिखाने लगेगी, मतलब ये चमकीली हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी बहुत अधिक है। और जिस आपको पता है जिस वस्तु पर हम अगर मैंने कोई चीज देखनी है ज्यादा प्रकाश डालूंगा तो ज्यादा चमकदार दिखाई देगी, कम प्रकाश डालूंगा कम दिखाई देगी, तो वही चीज यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है ज्यादा प्रकाश प्रवेश कर रहा है, जो आ रहा है वो इसी के अंदर रह रहा है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो तो इसलिए इसे प्रकाश पुंज की मात्रा क्या हुई बहुत बड़ी हो रही है, तो इसलिए क्या हुई ये हमें चमकदार दिखाई दे जाए, क्लियर। तो ये सर कारण बेटा हीरे के चमकने का आप नोट कीजिए। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट प्रयोग है आपका ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु। बेटा प्रकाशित तंतु क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि जो आपके जैसे लैंडलाइन वाली जो मोबाइल का जो कम्युनिकेशन होता है, जो लैंडलाइन वाले जो धरती में जो टेलीफोन के तार विषय होते हैं वो भी क्या आपके प्रकाशित तंतु की तरह काम करते हैं। आप देखो तो टीवी केबल वाले जो होते हैं, केबल कनेक्शन वाले जो होते हैं, वो केबल कनेक्शन वाले जो केबल का यूज करते हैं वो उसमें भी क्या प्रकाशित तंतु। तो प्रकाशित तंतु क्या बेटा ऐसे समझो ऐसे तंतु या ऐसी चीज ऐसी युक्ति ऐसा साधन जिसका उपयोग हम क्या करते हैं प्रकाशीय संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने में करते हैं, कैसे बिना तीव्रता में हानि, ठीक है। आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है उसमें तीव्रता की हानि नहीं होती, तो बेटा प्रकाश की तीव्रता में हानि हुए बिना, ठीक है, कोई एनर्जी में लॉस नहीं है प्रकाश की, प्रकाश की तीव्रता में कोई हानि हुए बिना प्रकाशीय संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिस युक्ति का हम उपयोग करते हैं वो युक्ति क्या होती है प्रकाशित तंतु। देखो पहले जमाने में क्या होता था, जब टीवी थे तो उस समय एंटीना होता था, एंटीना के वायर आते थे, तो लोग क्या करते एंटीना वायर से टीवी चलाते। अगर मैं वही अगर केबल कनेक्शन वाले एंटीना के वायर का यूज करें केबल की जगह तो क्या होगा कि ऐसा केबल कनेक्शन वाले तो एक साथ मतलब हजारों घरों को कनेक्शन देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अगर वो एंटीना का वायर यूज करें तो बेटा एंटीना के वायर के कारण एक या दो घरों तक टीवी क्लियर टीवी के चैनल है ना वो क्लियरिटी से दिखाई देंगे, ठीक है ना, मतलब कुछ फिर दो तीन घरों को छोड़ने के बाद कुछ क्लियरिटी दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि उस जो एंटीना का वायर है उससे जो
प्रकाश संकेत जा रहे हैं वो अपवर्तन और परावर्तन की घटना के आधार पर जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है, बार बार तीव्रता की हानि होती जाएगी और तीव्रता की हानि होने के कारण जो प्रकाश संकेत जाए, प्रकाश संकेत जैसे आप ऐसा समझो कि भाई जितने भी आप चैनल देख रहे हो, जी सिनेमा, जी टीवी, जो भी है, स्टार प्लस, बेटा उन सभी चैनलों में है क्या, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो है, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो केवल के द्वारा जा रही है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या प्रकाशीय संकेत, प्रकाशीय संकेत है ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजने के लिए, प्रकाश संकेतों को भेजने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, केबल का यूज कर रहे हैं, तो उस ठीक है, तो उस एंटीना में तो तीव्रता क्या होगी, हानि ज्यादा होगी, जबकि जो केबल कनेक्शन जो केबल होती है उस केबल में तीव्रता की हानि ज्यादा नहीं होती, होती नहीं है तरीके से, आप देखे एक ही केबल, एक डिश वाला जो होता है, केबल कनेक्शन वाला होता है, वो हजारों घरों को कनेक्शन दे देता है और सभी के चैनल क्या होते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें तीव्रता की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। तो बेटा उसमें क्या हुआ, आपने जब केबल को, जब केबल को हम हटाते हैं उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है, तो आप देखो ऊपर एक ब्लैक कलर का है, हैं, ब्लैक कलर का आवरण, और जैसे हम ब्लैक कलर के आवरण को हटाएंगे तो उसमें बहुत पतले पतले से चमकीले तंतु दिखाई देते हैं, वायर्स दिखाई देते हैं जो क्वार्ट्ज के बने, और वही वायर्स वही तंतु क्या कहलाते हैं आपके, प्रकाशित क्या कहलाते हैं, प्रकाशित तंतु, ऑप्टिकल फाइबर कहलाते हैं, प्रकाशित हैं। जैसे आप केबल को हटाओगे ना, ब्लैक वाले पोर्शन को हटाएंगे, तो ब्लैक वाले पोर्शन हटाने पर उसमें जगह जगह आप देखेंगे क्या होंगे, बहुत बारीक से पतले पतले से आपको वो दिखाई देंगे, तंतु से तार से दिखाई देंगे जो क्वार्ट्ज के बने होते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, प्रकाश तंतु। एक्चुअल में क्या होता है कि जब प्रकाशीय संकेत उनसे होकर जाता है तो उसमें तीव्रता की कोई हानि नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं डायग्राम दिखाया हुआ, या वो ब्लैक वाला पोर्शन है जो आपने वायर में लपेटा हुआ है, उस ब्लैक वाले पोर्शन को क्लैडिंग या अधिपट्टन कहते हैं, और उसका अपवर्तन कितना होता है बेटा, जिसमें अलग अलग बुकों में अलग अलग होता है, जैसे किसी बुक में 1. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1.7 दे रहा हूँ, इसका अपवर्तन कितना है 1.7, ठीक है, सॉरी 1.5, ये कम अपवर्तन होगा, 1.5 का होगा मान लीजिए। और जो ये बीच वाला पोर्शन, ये वो वायर है, वो पतला सा वायर है ना, वो ये क्या है, ये कोर है, मतलब जो ये पतला सा वायर है, ठीक है, जिस वायर को, जिस क्वार्ट्ज का वायर, ये क्वार्ट्ज का वायर है, और इसके ऊपर क्या, ये आवरण है। अब क्या होगा, जब जब प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा, प्रकाश ने प्रवेश किया, ये इसकी सतह से मान लीजिए, प्रकाश ने इसके अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद प्रकाश क्या हुआ, जैसे जैसे पड़ा तो क्या हुआ, यहां से अपवर्तित हो गया, अपवर्तित होने के बाद जब ये प्रकाश इसकी सतह पर पड़ा, तो बेटा यहां पर जो इसका आपतन कोण, इसको इस तरह लपेट जाता है, इस तरह काम लिया जाता है कि जो आपतन कोण होगा वो हमेशा क्या हुआ, क्रांति कोण से पड़ा, तो जैसे आपतन कोण का मान क्या हुआ, क्रांति कोण से बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगा, और यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर इस पर पड़ेगा, इस पर पड़ने के बाद तो यहां पर क्या हुआ, आपतन कोण का मान क्या हुआ, क्रांति कोण से बढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगा, क्यों, इसका अपवर्तन बढ़ा, इसका अपवर्तन होता 1.7, तो ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया वृहद माध्यम, तो प्रकाश में सघन से वृहद जा रही है, तो आपतन कोण का मान क्या, क्रांति कोण का मान से बढ़ा, और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी, और इस तरीके से बार बार ये इनकी सतहों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए ये प्रकाश क्या हुआ, बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहां से यहां तक जब प्रकाश गया, जब कितनी दूरी प्रकाश ने यहां से यहां तक तय की, तो यहां से यहां तक प्रकाश का जो संचरण हो रहा है वो कौन सी घटना के आधार पर हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर हो रहा है। तो अगर इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता आई है, तो निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता भी क्या होगी, आई।